सब्सक्राइब कीजिए एम्ब्रोज रिएक्शंस यूट्यूब चैनल को और दबाइए इस बेल आइकन को ताकि आप देख सकें हमारे वीडियोस सबसे पहले। हे गाइज, वेलकम बैक टू एम्ब्रोज रिएक्शंस। गाइज, वीडियो लेकर हाजिर हो चुका हूँ मैं नया वाला। आज का वीडियो होने वाला है हर रमज़ान की कहानी। ये जो वीडियो है ये जैद अली टी व्लॉग्स की तरफ से है, तो उनके चैनल को ज़रूर आप सब्सक्राइब कर लेना जाके, एंड लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं दे रहा हूँ। वैसे तो आपने ऑलरेडी किया होगा आई एम श्योर, तभी आप ये वीडियो भी देख रहे हैं, क्योंकि ये वीडियो मुझे लगता है जैद अली के फ़ैन्स ही देखने वाले हैं। थोड़े बहुत हमारे भी फैंस होंगे, बट अगर आपने अभी तक उनको सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लेना। टॉप ऑफ द डिस्क्रिप्शन उनकी लिंक मैं आपको दे दूंगा, एंड शुरू करते हैं वीडियो, वेट नहीं करते, हियर वी गो। मामा बस बहुत हो चुका है, मैं इतनी मोटी हो गई हूँ, लोग रमजान में वेट लूज करते हैं, मैं वेट गेन कर रही हूँ, ये कैसे ये सही बात है। मैंने आज से डिसाइड कर लिया, क्योंकि खाते इतना है, सिर्फ और सिर्फ हेल्थी फूड चलेगा। मुझे नहीं परवाह अगर हमें स्विट्जरलैंड से घास मंगवाना हो या क्यूकम्बर हमारे गार्डन में उगाने हो। हेल्दी ईटिंग स्टार्ट्स नाउ। पीछे देखो, पीछे क्या? पीछे तो देखो, पीछे क्या है? ओ ये होता है, ये हर किसी के साथ होता है, ये कंट्रोल नहीं हो पाता है क्योंकि दिन भर इंसान रोजा रखता है। When it's time to open इफ्तार। लास्ट के बहुत टफ मिनट्स होते हैं ये। ठीक है, अभी कितनी देर रह गई है मम्मा? बेटा बस 2 मिनट रुक जाओ, सिर्फ 2 मिनट। मामा इतना टाइम गुजर चुके, आप खोल लो रोजा। बेटा सारा दिन रोजा रखे, आप थोड़ा सा सबर कर लो। मरियम बिनते फातिमा, निकाह हो रहा है आपको, जैद अली का निकाह कबूल है? जी कबूल है, कबूल है, कबूल है। मामा शादी भी हो गई है, अब रोजा खोल लूं? हाँ बेटा, अभी मेरी इमाम से बात हुई है, वो कह रहे हैं बस 30 सेकंड में खुल रहा है। 30 सेकंड 30 सेकंड में बंदा बूढ़ा हो गया। इतना सा भी सबर नहीं होता ना, तो उससे खोल ले रोजा, जा खोल ले। शुक्र अल्लाह। नहीं नहीं नहीं, ऐसे नहीं। कब खुलेगा? अब खोल लो रोजा, अब खोल लो। शिट, बंदे की एज बढ़ती गई पर उसकी मम्मी की एज नहीं बढ़ी। टाइम होने वाला है या पहले से मुंह में लेके रखा है? द कबाब बर्प आफ्टर इफ्तार। यार ये ऐसे लोगों पे बड़ा गुस्सा आता है, सच में मेरे साथ भी होता है, ये बंदे पास में बैठे बैठे डकार मारते हैं। ये बहुत गंदी चीज है, ये होती है सबके साथ होती है आई एम श्योर। द अंडरटेकर। सर, सर सहरी का टाइम। ओए उठ जा भाई, सुबह हो गई है। ओए हेलो। नहीं सुबह का टाइम है। अरे उठ जा मेरे भाई, शाम हो गई है, शाम हो गई है। अरे उठ जा, अरे उठ जा, अरे कमीने उठ जा, उठ जा, आज नहीं बचता तू। ओ कमाल का कंटेंट बनाते हैं यार ये जैद अली भाई। तब मर गया है। सर उठ जाओ, इफ्तारी का टाइम हो गया। इफ्तारी, इफ्तारी के नाम से तो हर कोई उठता है भाई। द हराम पुलिस। ओ माई गॉड, जैद अली लुक्स हॉट। फोन दिखा। वाह, लड़कियों को टेक्स्ट कर रहा है रमजान में उल्लू के। टखने नजर आनी चाहिए भाई, टखने नजर आनी चाहिए। Thank you.
ये भी होते हैं, ये भी लोग होते हैं। बंदा चुपके पानी पी रहा है। The people that don't go to Taravi, ये भी लोग होते हैं। यार बंदा जितनी नमाज पढ़ता है ना उतना फिट रहता है, ये सब प्रॉब्लम नहीं होती। कपल्स बिफोर रमजान। ये इनकी शादी से पहले का वीडियो है क्या? इसमें यमुना नहीं है। हेलो, हाय चानू, क्या कर रही हो? कुछ नहीं, तुम क्या कर रहे हो? तुम नहीं, आप बोलो ना आप। ओह सॉरी, आप क्या कर रहे थे? मैं भी तुम्हारे बारे में ही सोच रहा था और तुम्हारी कॉल आ गई। रियली? हाँ, अच्छा मूवीज देखने चलते हैं। एक नई मूवी आई है अभी, एवेंजर्स। हाँ क्यों नहीं, चलो। तो फिर एंड गेम। लो जी गौरी आया। सच्ची? लो जी गौरी। ठीक है, मैं अभी तैयार होती हूँ। मामा मैं लाइब्रेरी जा रही हूँ। लाइब्रेरी? मैं ग्रुप स्टडी करने जा रहा हूँ। कपल्स इन रमजान। शैतान। शैतान की ज़हर, तुम्हें मेरी कसम ना उठा। नहीं उठाने का ज़हर, आज सोच ले। बुलाती है मगर जाने का नहीं। तुम लोग इन रमजान तो डेफिनेटली नहीं। आज मुझे फैसला करना है। हेलो सावित्री देवी। ओ दवन होने वाले मिसेस तरावी। हेलो। हेलो बॉस। हाँ बोलो। तरावी खत्म होने में सिर्फ 20 सेकंड रहेंगे। 20 सेकंड? परफेक्ट। आपका बाइक बॉल वेट कर रहा है। ओके आई एम रेडी। ऐसे लोग भी होते हैं। अस्सलाम वालेकुम अंकल। वालेकुम अस्सलाम। माशाल्लाह से तुम्हें रोज शराब में देखता हूँ। थैंक यू। बहुत नेक बच्चे हो। यार ऐसे लोग होते हैं। ये लास्ट ईयर का वीडियो है। बहुत अच्छा गुजर रहा है। And as always, make sure to give this video a big thumbs up if you enjoyed and also don't forget to subscribe. उनको बताओ सब्सक्राइब क्यों करना चाहिए? सब्सक्राइब किया? हेलो? Make sure to subscribe, guys. We'll give you some time. The button should be down below, so go and subscribe. अब क्या बचा है इस वीडियो में? अभी भी काफी ज्यादा बड़ा है वीडियो। थैंक यू फॉर सब्सक्राइबिंग गाइस। बिग शाउट आउट टू सेम फॉर हेल्पिंग मी शूट दिस वीडियो। और इसने भी बहुत मदद की है। सो देयर लिंक्स आर इन द डिस्क्रिप्शन बिलो, गो चेक देम आउट। और अब हम आपके लिए थोड़े से ब्लूपर्स प्ले करेंगे। ब्लूपर्स? वो टेक केयर। चलो ब्लूपर्स भी देख लेते हैं। सेल का टाइम खत्म। यू गाइस ओके? मरियम बिनते फातिमा, क्या आपको ज़ैद का हाथ कबूल है? Wait, am I supposed to... कबूल है, कबूल है। आपको ज़ैद अली का हाथ कबूल है? जी, हाथ कबूल है। हाथ? मैं हाथ दे रहा हूँ उसको, मेरा हाथ ले जाओ। ये लो मामा। ये बड़ा कमाल का मेकअप किया, पाउडर लगा दिया पूरा बियर्ड पे। कमाल क्या है ये, नाइस आइडिया। तो फिर तैयार हो जाओ। लो जी गौरी आया। ये इंस्टेंट निकला होगा मेरे ख्याल से। लो जी गौरी आया।
आज फैसला तेरा है, या दीन या ईमान। अबे दीन या दुनिया, सॉरी दीन या दुनिया, ईमान दोनों सेम चीज ही है भाई। मरियम जी क्या कर रही हो? कुछ नहीं, बात हो रही थी। ये भी होता है इस तरह की बाइक पे। सब्सक्राइब फॉर मोर। यार बहुत प्यारा वीडियो था यार गाइस, बहुत 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 ज़्यादा एंटरटेनिंग था। स्पेशली रमज़ान में इन्होंने बहुत प्यारा वीडियो बनाया और मज़ेदार आया, बहुत मज़ा आया। ये लास्ट रमज़ान का था, आई डोंट नो हमने इस पर रिएक्शन कैसे नहीं किया। मुझे किसी सब्सक्राइबर ने भेजा कि यार ज़ैद अली का वीडियो है रमज़ान पे, आपने रिएक्शन नहीं किया उस पर, लास्ट रमज़ान से आया हुआ है। तो मैंने चेक किया तो यार पता चला मैंने इस पर रिएक्शन नहीं किया है। आई डोंट नो कैसे मिस हो गया ये वीडियो, क्योंकि ये वीडियो यार बहुत ज़्यादा कमाल का लगा मुझे। स्पेशली वो जो तरावी में वो जो नमाज़ पढ़ते हुए वो अंकल आए थे जो ढकार मार रहे थे, वो वाला इंसिडेंट मेरे साथ हुआ है। और यकीन मानो कैसे अपने आप को वो स्मेल जो आती है कैसे कंट्रोल करते हैं, वो मैं ही जान सकता हूँ। अगर आपने भी वो एक्सपीरियंस किया तो आप भी बताना। बहुत गंदी स्मेल होती है, क्योंकि इफ्तार के बाद ना लोग इफ्तार में आपको पता है लोग पता नहीं क्या क्या खाते हैं, सब तेल की चीज़ें ऑयली चीज़ें खाते हैं एंड सब मिक्स हो जाता है ना, फ्रूट्स ऑयल, उसकी जो गंदी सी स्मेल बनती है ना, मुझे लगता है ना डकार मारने पे भी ना वज़ू टूटना चाहिए और वो बनाना चाहिए। और क्योंकि मुझे लगता है, जहाँ तक मुझे पता है, डकार मारने से वज़ू नहीं टूटता है, सिर्फ पीछे से करने से टूटता है। तो इस पर भी टूटना चाहिए वज़ू। और बात करें आगे की, तो और भी कई चीज़ें देखी मैंने यार इसमें। स्पेशली जो उठने वाला वो जो एक था ना, जिसमें वो द अंडरटेकर वाला, उसमें उन्होंने बोला, उसमें जो है वो बंदा उठा उठा के उनको थक जाता है, बट इफ्तार के टाइम बंदे की ऑटोमेटिक आँखें खुल जाती है। और ये कई बार होता है, हज़ार बार होता है, और मैंने कई बार चीज़ें देखी है। और हम सब ये वीडियो इस तरह से बनाया है ना इन्होंने, हम सब इस वीडियो से ना रिलेट कर सकते हैं। इस तरह के इंसिडेंट सभी के साथ होते हैं एंड आई एम श्योर आप लोग भी इससे रिलेट करते होंगे। कमेंट करके बताना अगर करते हो या नहीं, और इनमें इन सब में से आपके साथ कौन सा इंसिडेंट हुआ है ये भी मुझे कमेंट करके गाइस ज़रूर बताना। मैं आपके कमेंट्स का वेट करूँगा। एंड वीडियो कैसा लगा ये तो आपको डेफिनेटली बताना ही है। कुछ मिस हो गया मेरे से तो इसमें कमेंट करके वो भी बताना। वैसे तो पूरा वीडियो मैंने इन्जॉय किया और ब्लूपर्स भी बहुत कमाल के थे। और एक चीज़ और कि इसमें यमुना क्यों नहीं है, 2019 का है तो आई थिंक तब तो उनकी शादी हो चुकी थी, तो इसमें उनकी वाइफ का रोल किसी और ने क्यों किया, आप वो भी मुझे कमेंट करके बता देना। आई थिंक वो बिज़ी होंगी या यमुना पूरे रोज़े रखती होंगी तो उनमें एनर्जी नहीं होगी वीडियो बनाने की, ये हो सकता है। गाइस ये सब चीज़ अगर आपको पता हो तो कमेंट करके ज़रूर बताना, और अच्छा लगे वीडियो को करना लाइक शेयर, साथ में चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन मेक लव नॉट वॉर।